मैंने मना कर दिया। आइए 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 आइए, इसको अपना ही घर समझिए। बाबा बाबा जी, ओ बाबा उठ जा, ओए बाबा उठ जा, उठ जा उठ जा उठ जा। क्या कर रही हो ये, कौन है ये? अरे ये बहुत पहुंची हुए बाबा हैं, मुझे मार्केट के पास मिल गई तो मैं स्कूटी पे बिठा के घर ले आया, कभी भी सो जाती हैं तो गा के उठाना पड़ता है। ओ बाबा उठ जा, ओए। बाबा जी घर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी का भविष्य देखना है, ये मेरा लड़का है। ओ चाइल्ड लेबर। लड़का मतलब काम करने वाला लड़का नहीं, मेरा अंश है। अंश बेटा? इसका नाम अंश नहीं है, ये मेरा खून है। खून ही बेटा? नहीं नहीं, खून मतलब मेरा नंदन है। अरे क्या पर्यायवाची शब्द बोले आ रहे हो अब, लड़का खून नंदन अंश, सीधा सीधा बोलो ना, बेटा है। बेटा है। ओ ओ छुट्टे नहीं है? छुट्टे नहीं मांग रहा, मूर्ख हाथ मांग रहा हूँ। गुस्सा मत होइए बाबा, अभी नादान है। बेटा हाथ दो। बचपना नादानी अभी तक है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। पहले सब्जी वाले से मीठे आलू ले आता था, अब आलू भी सही लाता है और एक्स्ट्रा धनिया भी रख लेता है, और समझदार भी हो गया है। बाकी पापा मेरी बात छोड़ो ना, आप ये बताओ ये कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी है बेटा, इनकी बातें दूर दूर तक जाती हैं। क्यों माइक पे बोलते हैं? और बेटा ये लेखक भी है, इनकी किताब GST UK की बेस्ट सेलर है। इसने GST में किताब लिखी है? इसने इसने क्या होता है, मैं तेरे साथ बचपन में कंचे खेलता था क्या? आपने GST पे किताब लिखी? GST गलती से टटिया, हक बाय चांस, मेरी UK की दूसरी बेस्ट सेलर। मुकेश के दिन कट गए जुलाब में, चिरक देता था अपने ख्वाब में। पहली किताब कौन सी थी? मुकेश का निप्पल। मुकेश का लेफ्ट वाला निप्पल थोड़ा छोटा था, राइट वाला थोड़ा बड़ा। ठंड लगती थी तो दोनों निप्पल इतने बाहर आ जाते थे, जब कमरे में घुसता था तो पहले निप्पल पहुंचे फिर मुकेश। और ये किताबें UK की बेस्ट सेलर है? उत्तराखंड की बात ही कुछ और है। ओह नो, वहां मुझे इतना मानते हैं। ओहो फिर सो गए। ओ बाबा उठे जा, होए। कौन है ये? बेटा बहुत बड़े बाबा हैं, इनका नाम अदरक। अदरक बाबा, ये कैसा नाम है? मेरे बाप अजवाइन और मेरी माँ हल्दी ने मेरा नाम रखा अदरक। बड़े भाई इलायची ने तो अपनी कंपनी भी खोल ली। बाबा इलायची वंश। बेटा ये हाथ और चेहरा पढ़ के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। मेरा हाथ देख के बताओ ना, मैं अमीर बनूंगा। मैं हाथों की लकीरें मिट रही हैं, लग रहा है लंड देख के भविष्य बताना पड़ेगा। धन की लकीर तो सुनहरी है। कितने कमाऊंगा? 40-50 हजार महीने का। और कमाने हैं? बोनस मिला के 60-70 हजार महीने का बस। और कमाने हैं? तो अपने पिछवाड़े की लकीर से कमा ले। बाबा जी मेरे बेटे का भी भविष्य बता दो। बाबा मैं नहीं मानता इन सब बेकार चीजों में। इस साल तेरे एग्जाम में 90 आएंगे। सारे सब्जेक्ट मिला के। What? पापा इसको बाहर भेजो, ये सारे जाहिल लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। ए, मैं जाहिल नहीं हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की डिग्री है मेरे पास। ओ बाबा उठे जा, ओए। दिन रात मेहनत करके ये दाढ़ी और बाल उगाए हैं ताकि तेरे जैसा बदतमीज लड़का मुझे जाहिल बोले। तो तुम लोग क्लीन शेव करके क्यों नहीं घूमते? क्योंकि मैंने सब त्याग दिया है, सारे ऐप सब कुछ। 15 साल से किसी औरत की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। तो अपनी तीसरी टांग पे क्या कैलेंडर टांगता है? एक बार ऐसे ही किसी लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसके साथ पता है क्या किया? क्या? उसको अपने वश में करके अपना नौकर बना दिया। इसकी माँ ने तो बिना वश में करे ही ऐसा गजब कर दिया है मेरे साथ। पापा क्या फालतू लोगों को घर में ले आते हो आप? फालतू हूँ मैं? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? बाबा जी ना बबलू बेटा ना। कौन बेटा? दोनों एक ही उम्र के हो, दाढ़ी बढ़ा के खुद को 200 साल का समझ रहा है। पापा इस लहसुन को बाहर निकालो। अदरक। तो क्या तेरी चाय बनाऊं? बहुत हो गया, बहुत सहली अपनी बेइज्जती, तुझे देखना है अदरक क्या कर सकता है, पेट साफ कर सकता है। बड़ा बबलू, अब तेरे लड़के की गलतियों की सजा तू भुगतेगा, मेरी आंखों में तो देख। छोड़ दे अपना शरीर, अब तू मेरा बबलू है, वी के बाद आता W है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब बोल बेटा क्या बनाऊं तेरे बाप को? मेरे नाना बना दो, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, सुना बहुत गुस्से वाले थे। दुनिया में जो आया है एक दिन है उसको जाना, बकचोदी ना फेल, तू बबलू बन के दिखा दे नाना। मेरे नाना इतना हंसते थे क्या? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पापा? पापा होगा तेरा बाप, मेरा नाम है नाना, इतना मारूंगा जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। अभी ये क्या हो गया? ओ बाबा क्या कर दिया ये? वो साली रिहाना मुझसे पूछती है, ओ नाना व्हाट्स माय नेम, अरे उसको बोल अपना आधार कार्ड चेक कर, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर, किसके साथ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कुछ समझ नहीं। कंट्रोल। अरे अदरक उठ जा। गांड फटी तो बोला हाथ बोला। इसको उठाने का मंत्र क्या था बेंचो? मी पहला तुझा डोड्यांचा थू, कधी शंबर वन कधी शंबर टू।
ये हैग्रिड जैसा दिखने वाला जानवर मेरा क्या उखड़ेगा? कोई कुछ नहीं उखड़ सकता, सबके चिट्टे किट्टे खोल दूंगा। कोई नहीं बचेगा, मेरा नसीब ही खराब है। नसीब लंड की तरह होता है, सब अपना अपना लेके चलते हैं। पूरी दुनिया को बताऊंगा तेरी करतूत, सुबह सब्जी कटहल वाली, शाम को हरकत मुठल वाली, कोड़ी घर देता का। ये क्या शोर हो रहा है? आ गई बुढ़िया, देखो साहब सेठानी जी पधारी है। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ए चुप कर पागल औरत, इसको बता दू तेरा बाप अपना दिल किसको दे बैठा है। दो मिनट सब नाचो, जिंदगी कांच है और हम सब हेमा वाले ने ये नाच बसंत के नाच बुढ़िया। पापा प्लीज होश में आ जाओ, भूल जा अपने बाप को, नहीं आएगा वो। क्या वजूद है तेरा, क्या कमी है मुझमें? भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए? अपने दोस्तों को बोल दो तेरा नया बाप आ गया है, चल मैं अपने धंधे पर लगता हूँ। आलू ले लो, गंदा ले लो। मुझसे बहुत खुश है क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। बीटू मामा आखिरी बार टट्टी कब करी थी? आजा सूंघ ले, पता चल जाएगा। कैसे सवाल पूछते हैं बच्चे आजकल। बे एक बार जोश में मैंने वायग्रा खा लिया था, दो दिन तक पेट के बल नहीं लेट पाया। क्यों? पेट के बल लेटता था तो मेरा शरीर ऐसा लगता था पूरा फ्लाईओवर एक पिलर पे खड़ा है। कौन खड़ा है? वायग्रा वाला नुन्नू। चाहे जो आए लेके दिल में इतनी नफरत, सब के लोड़े लगाना टीटू मामा की है आदत। स्लैब से करेंगे तेरा स्वागत। मामा नमस्ते। ए मामा के पैर नहीं छूते? क्या नहीं छूते? पैर। शाबाश। नमस्ते। ए बेशरम, पैर नहीं छुएगा? आप ही ने तो बोला कि पैर नहीं छूते। बांजा कौन? ये सब ब्लेसिंग है। ओह नो। टीटू मामा, गिव मी सम लव एडवाइस इन योर स्टाइल। बेटा प्यार के बारे में कोई एडवाइस नहीं दे सकता, इंसान अनुभव से सीखता है। मैं भी अनुभव से सीखा था, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मुझे बोले वहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा तो पराठे और वायग्रा पैक करके दे दे। वायग्रा? कितने डब्बे? तीन। मैं क्या कुआं खोदने गया तेरा बाप? याद है जब तू समर हॉलीडे के लिए मेरे पास रहने आता था तब तू, तेरी मामी और मैं हाइड एंड सीक खेलते थे। मैं घंटों तक छुपा रहता था और आप दोनों मुझे ढूंढ ही नहीं पाते थे। कोई ऐसा मुहावरा बता दो जिसके अंदर दो शरीर के अंगों के नाम आते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, बिना सर पैर के बात करना जो तुम करते हो। क्या उंगली करना, क्या बोल रहे हैं आप? भाई तो बोला। और दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और जेजा जे? बस भाई। पानी पिलाओ। टीटू मामा अब वापस कैसे? गाड़ी में बैठते ही पता चला कि मैं अपना फोन का चार्जर तो इधर ही भूल गया हूँ, तो लेने आ गया तेरी। दांत क्या फाड़ रहा है चिपकली की गांड? मैं तुम सबका वजूद मिटा दूंगा। तो तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना, क्यों उंगली करता है? एडवाइस ले ले, व्हेन वर्किंग विद टीटू नो एडवांस, इफ वर्किंग अगेंस्ट टीटू नो चांस। इफ का पंकज उदास हो गया। ए स्कोडा लौरा, स्कोडा लल्ली हो गई। कुछ एडवांस मिल जाता तो। किसी में भी दम नहीं है, ये काम पूरा करने का नालत है, नालत। लानत है वो तेरे चेहरे पे। जवाब और गांड उतनी दो जितनी हिम्मत हो। मामा अरुण पूछ रहा है, टीटू मामा जी व्हेन आर वी गोइंग टू सी योर वाइफ? अरुण तू हमारा फैमिली डॉक्टर है, क्या करेगा देख के? वैसे भी वो घर से बाहर निकलती नहीं, जिस दिन निकलेगी तू देख लेना, फिर मैं तुझे देख लूंगा। जीजा जी बिस्किट बोलना तो। खत्म हो गए शायद बिस्किट। तो चाय में डुबाएंगे क्या? इज्जत दिखता दिखता। बेटा सोच ले, टीटू के साथ करी हुई डील और फोरप्ले के टाइम बनी फील तोड़ना बहुत मुश्किल है यार। मैंने ना अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था तो वो तोड़वाना है। वर्जिनिटी और फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद ही तोड़वा सकते हो। मतलब वहाँ तो लड़का लड़की में फर्क करना ही मुश्किल है। नाम एंजल, पैरों में सैंडल, टांगों के बीच में ब्रिंजल। सुन बे जॉनी डेप की आधार कार्ड कॉपी, अगर फिर से उल्टी बात की तो तेरी ये लट काट के तेरी गांड में फिट कर दूंगा। घोड़ा लगेगा बाय गॉड। क्या लगेगा? घोड़ा। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में? अच्छा ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिक्किया रखेगा और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिक्किया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा। क्या निकलेगा? झाग। तेरा को इतना बड़ा मरवाले कॉमिक कलेक्शन लाके दिया था याद है? मार्वल। और याद है मुझे एसगार्ड जाने का कितना मन होता था? तेरी मामी भी मुझे वही बुलाती थी। क्या? एसगार्ड। मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है।
एक और मौका दीजिए मामा जी, हिप्स का डीलर बन जाता हूँ। तू तोड़ बेचेगा ये अब। मामा चिप्स, वो चर को हो बोलता है। पर मामा हम उसको ढूंढेंगे कैसे? नंबर दे रहा हूँ लेख, अलग अलग आवाज में बात करने का और एड्रेस निकल वाले बस, 2 12 1 7 3 3 14। Oh no 2 1 2 1 7 3 3 1 4। ऐसा कोई काम नहीं है जो फमीर फुद्दी ना कर सके। समुद्र की लहरों को रोक सकता है ना? टीटू कर सकता है। कैसे? वीडियो पॉज करके। चल फोन मिला। स्कूल में सिक्योरिटी। अरे घंटा सिक्योरिटी, अभी कॉरिडोर में आते हुए देखा मैंने, दोनों सीसीटीवी एक दूसरे को देख रहे के आज की चल ली उनकी। ओला, तेरी बीवी ने तेरा बैग अगर खोला तो पिछाड़े के टुकड़े कर देगी 16, फिर तू रोड पे आ जाएगा लेके झोला। चल निकल। मामा भरोसे वाला आदमी है। बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। है बेटा ये सब फालतू की बातें हैं, इंसान को सफलता उसकी मेहनत दिलाती है। एक दूसरे के टट्टे तो कुत्ते भी चाटते हैं, सही बोला कि नहीं? अब बंदर को लकुआ मारा ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है बे? बंदर नहीं मैं शेर का बेटा हूँ। आंटी जंगल कब गई? दीदी तुम बिधवा हो गई, बिन मूंगफली की चिड़वा हो गई। ऐ भगवान ये बहुत गलत किया तूने, क्या किया? लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना। मुझे पता चल गया। सुन बे चौधू मल, यहाँ सीरियस बात चल रही है, हवस का नंगा नाच करना तो बाहर जाके कर। सर्जन कहाँ से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। अरे सर्जन सर्जन। टीटू मामा आपके लिए सवाल है, व्हाट वाज द एज व्हेन यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी? है बेटा असद, जब तू सिर्फ ख्याल था ना तब मेरा रिकॉर्ड कमाल था। मर्दों को उनकी इनकम और वर्जिनिटी का जख्म सताता रहता है। मुझसे तो पूछ लिया, आइंदा किसी से मत पूछना। तेरे जीजा जी, जीजा जी मर गए। ये क्या तरीका स्कूल में पैसा आने का? तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल में भेजते ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको? ये तो फरिश्ता निकला, इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगोजे, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है। इंदौर से दिल्ली भाग के आए हो क्या? नहीं हाफ रहे हो। मैं भुखलैंडी के सीढ़ी चढ़ाऊ इसलिए हाफ रहा हूँ। बैठिए। हाँ तो बैठेंगे, बुफे थोड़ी चल रहा है। स्कूल में तो रिजल्ट के 2-3 दिन पहले तेरी माँ को गैस हो जाती थी, पूरा घर सड़ा देती थी। सारा खानदान खटिया बिछा के बाहर सोता था, ये अंदर बौखलाई चुड़ैल जैसी पाती फिरती थी। आप तो असली मामा है ना, या फिर नकली मूछ लगा रखी है? खींच के देख। है खींचना। सुन बे पिलपिली गांड, तेरी इस मीटिंग के लिए मैं अपना बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत कर। मुबारक हो दीदी, जीजाजी मिल गए। मुबारक हो बेटा, जीजाजी मिल गए। अब मुबारक हो चीकू, दादाजी गुजर गए। पूरा दिन स्कूल में मैं बनाता रहेगा। मम्मे मीम मीम मीम। जिंदगी में 3 चीजें हमेशा आती रहेंगी, टट्टी चुनौती चूती। टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक लो। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं बस एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, बस टेंशन मत लो, टेंशन मत। नहीं तो काली मिर्च सूंघ लो, ऐसी छींक मारोगी बच्चा सीधा एक टप्पे में बिस्तर पे।